हाय फ्रेंड्स, टेक्निकल रोमियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, हम लोग काफी लंबे समय से एक फोन का इंतजार कर रहे थे, वो है एमआई। जैसे कि हम जानते हैं कि एमआई आज इंडिया में एक ब्रांड बनकर सामने आ चुका है। शाओमी के सभी फोन इंडिया में खासे पसंद किए जाते हैं, तो जिसमें कि एमआई A2 का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था, जिसमें कि एक रीजन यह है कि यह फोन एंड्रॉइड स्टॉक 1 पर है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम इसका इंतजार कर रहे थे। अब सवाल यह उठता है कि शाओमी ने जो भी इसका प्राइस रिवील किया है, जिस प्राइस में भी इसे इंडिया में लॉन्च किया है, क्या उस प्राइस में इसे लेना वैल्यू फॉर मनी होगा, या फिर अभी हमें थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, या शाओमी आप अपने फोन के प्राइस को थोड़ा बहुत इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। गाइस, हम लोग शाओमी को फोन इसलिए पसंद किया करते थे कि शाओमी जो कम प्राइस में अपने फोन के स्पेसिफिकेशन या जो भी कुछ देता था वो दूसरी कंपनी नहीं दे पाती। लेकिन अब टाइम बदल चुका है, शाओमी को कई सारी कंपनी करारी टक्कर दे रही हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ये फोन हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो गाइस, बहुत सारे रीजन है इसे ना लेने के। जी हाँ, सबसे पहली बात तो शाओमी ने जो भी इसका प्राइस डिसाइड किया है under 20K, यानी 20,000 रुपए के अंदर में, यह फोन की कीमत 17,000 रुपए। पहली बात, आपको यह फोन 4GB और 64GB वाले वेरियंट में अवेलेबल होगा इंडिया में। हाँ, शाओमी से कहता है कि कभी फ्यूचर में हम 128GB वाला और 6GB वाला वेरिएंट भी लॉन्च करेंगे, लेकिन वो कब होगा कोई नहीं जानता। आपको केवल एक ही ऑप्शन मिलता है, 4GB 64GB वाला वेरिएंट। तो 4GB और 64GB वाले वेरिएंट का प्राइस रखा है 17,000 रुपए तकरीबन। तो यह प्राइस ओवर प्राइस है मेरे हिसाब से। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इस फोन को लेने के क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको इस फोन में स्टॉक एंड्रॉइड 1 मिलता है। दूसरी अच्छी बात यह है कि आपको इसके अंदर एक अच्छा कैमरा मिलता है। जी हाँ, इस फोन का कैमरा वाकई काफी अच्छा है। आपको इसमें रियर में डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है और फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का एक कैमरा देखने को मिलता है। तो कैमरा के मामले में फोन बहुत अच्छा है। यस, एंड तीसरी बात, आपको इसके अंदर टाइप सी का सपोर्ट मिलता है। तो ये तो कुछ रीजन है, कुछ खास नहीं है मेरे हिसाब से रीजन। परफॉर्मेंस इसका ठीक है, स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर मिलता है। तो आपको 17,000 रुपए में मात्र यही रीजन मिलते हैं जो मुझे लगा पर्सनली, जो मैंने ऑब्जर्व किया इस फोन को लेकर। अब बात करता हूँ इसे ना लेने के रीजन, जो मुझे जो कमियां मुझे इस फोन में लगी वो कुछ इस तरह से है। नंबर 1, बिलो एवरेज बैटरी, यानी आपको इसके अंदर बैटरी अच्छी नहीं मिलती है। जी हाँ, आपको इसके अंदर मिलती है 3010mAh की बैटरी, 3500mAh या 4000mAh की बैटरी होती तो शायद ठीक था, लेकिन बैटरी इसके अंदर आपको मिलती है कम, मुश्किल से एक दिन का परफॉर्मेंस आपको मिल पाएगा। दूसरा रीजन इसे ना खरीदने का, आपको इसके अंदर डुअल नैनो सिम का सपोर्ट मिलता है, यानी कि आप इसके अंदर केवल 2 नैनो सिम ही इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप इसके अंदर माइक्रो एसडी कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये तो हुआ दूसरा रीजन इसे ना खरीदने का। बात करते हैं तीसरे रीजन की, और तीसरा रीजन है कि यह फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट तो करता है, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको नॉर्मल वाला चार्जर मिलेगा, फास्ट चार्जर नहीं मिलेगा। अब मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ शाओमी को। शाओमी ने इस फोन का प्राइस 17,000 रुपए रखा है। अगर 17,000 रुपए में आप इस फोन में नोच दे देते तो कुछ और भी बेहतर हो सकता था, तो शायद इसे बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी मिल सकती थी और इसे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता इंडिया में। तो आपको इस फोन में नोच भी नहीं मिलती है 17,000 रुपए देने के बावजूद भी। खैर, नोच की तो अपनी अपनी पसंद है, वैसे आजकल ट्रेंडिंग में है, सभी को पसंद आ ही रही है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो एक बार को मजबूर करती कि ये फोन ले या ना ले, थोड़ा सा तो कंफ्यूजन बनता है। और वैसे भी यार 17,000 रुपए की रेंज में आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे, और हाल ही में ऑनर ने अपना 20,000 रुपए का ऑनर प्ले लॉन्च किया है जो इससे ज्यादा अच्छा है कैमरा वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, हर तरीके से, और साथ में आपको नोच भी देखने को मिलती है। तो वेल, आप लोग क्या सोचते हैं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, आपकी राय बहुत वैल्यू रखती है। आप लोग बताइए मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर के, क्या आप इसे Redmi Note 5 Pro की तरह दीवानों की तरह बुकिंग के लिए टूटेंगे इस पर, उसे खरीदने के पीछे जाएंगे, या फिर आपको लगता है कि ओवर प्राइस है, इसे अभी थोड़ा सा होल्ड कर देना चाहिए, अभी इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपको इसका प्राइस कैसा लगा। तो फाइनली अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि इस फोन को कैसे लिया जाए, तो भाइयों 9 अगस्त से इसकी प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है, अमेजोन पर जाकर प्री बुक कर सकते हो इसको, और 16 अगस्त से ये बिक्री के लिए अवेलेबल हो जाएगा अमेजोन पर। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी। आइए तो लाइक करें, शेयर करें, और यार कमेंट में जरूर लिखें अपनी राय। यार मैं आपके सभी कमेंट पढ़ता हूं, आप लोग कमेंट नहीं करते यार, कमेंट किया करो। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
one, 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 one,